हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस की, जिसका मार्केट कैपिटल है 327.63 बिलियन का। और रिसेंटली दो दिन में हमने इसमें अच्छा खासा अप ट्रेंड दिखाई दिया गया है, जिसमें 320 का लेवल इसने ब्रेक करके अभी क्लोजिंग दी है 338.80 पे। और इस तेजी के पीछे एक ही रीजन है, जो कि है जी और सोनी का होने वाला मर्जर। तो न्यूज में हम देखते हैं 22 नवंबर को न्यूज अपडेट आए हैं, जी चीफ पुनीत का अनपैक सोनी मर्जर डील, स्ट्रीमिंग ग्रोथ, आईपीएल बीट प्लान्स। तो देखते हैं इसमें उन्होंने क्या क्या अपडेट दिए हैं। तो इनके हिसाब से ये जो मर्जर है ये अभी फाइनल स्टेजेस में आ गया है, और जी और सोनी का ये जो होने वाला मर्जर है वो लार्जेस्ट मीडिया एंटरटेनमेंट प्लेयर रहेगा कंट्री में। ऑलरेडी सबको पता है सोनी जो है वो वर्ल्ड वाइड टेलीकास्ट होता है, इनके जो ब्रॉडकास्टिंग चैनल जो है डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग होती है, इनके अपने ऐप्स हैं, प्लस इसके साथ ही इनके म्यूज़िक और वीडियो लाइब्रेरी है, इनके रीजनल हिंदी एंटरटेनमेंट चैनल्स भी हैं। इसके साथ ही ये लोग स्पोर्ट्स में भी इनकी ब्रॉडकास्टिंग या फिर लाइव टेलीविजन भी दिखाते रहते हैं। तो अगर जी और सोनी का अगर ये कंबाइंड मर्जर हो जाता है तो इनका जो रेवेन्यू होगा वो अराउंड 2 बिलियन के आसपास होगा। इसके साथ ही सोनी इसमें कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी करने वाला है, जिससे इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि इनके व्यूअर्स को ये लोग प्रीमियम कंटेंट दिखाएं, और इसके साथ ही ये लोग इंक्लूड करने वाले हैं स्पोर्ट्स को। तो इसके साथ ही इन्होंने बताया है कि 2017 में जी ने इनके पास जो 10 स्पोर्ट का जो चैनल था वो इन्होंने सोनी को बेच दिया था, और उसके बाद जी के पास कोई भी स्पोर्ट्स चैनल नहीं था। लेकिन जब ये मर्जर हो जाएगा तो मर्जर के बाद ये लोग बीट करने वाले हैं बिगेस्ट स्पोर्ट्स प्राइजेस इन द वर्ल्ड, जो है द इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट। तो सोचिए अगर इस पे ये लोग बीट करते हैं और अगर इनके पास ये आईपीएल आ जाता है तो इनका जो रेवेन्यू आएगा वो कितना ज़्यादा होगा, और उसके चलते हुए इनके जो शेयर्स हैं वो भी बहुत अच्छे खासे तेजी दिखाएंगे। और अभी जो डिजिटल लैंडस्केप है और मोनेटाइजेशन के चलते हुए बहुत ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म आ गए हैं, और जिसमें बहुत सारे नए जो सीरीज दिखाई देती हैं, तो इसमें गोयनका जी का कहना है कि ये लोग इसमें इनको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दिखती है, और ये लोग सर्टनली स्पोर्ट्स भी इसमें इंक्लूड करने वाले हैं, जो स्पोर्ट्स एरिया जो है ये फोकस में रहने वाला है मर्ज एंटिटी में। अब इसके साथ ही हमने कुछ वीक पहले न्यूज़ हमको पता चली थी कि इसमें जो इनका लीडिंग इन्वेस्टर है इन्वेस्को, जिसमें इनके 18% के स्टेक होल्ड करके रखे हैं, उन्होंने बीच में इनको कहा था कि उनको जो गोयनका है ये इनको रिमूव करके इनके 6 इंडिपेंडेंट मेंबर्स ये लोग बोर्ड मीटिंग में डालने वाले थे। लेकिन इसके बाद इसका कोई भी अपडेट आया नहीं है, और कुछ भी ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, और इसी के चलते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी अलाउ किया है कि ये लोग टेम्परली इसको डिले कर दे। तो अभी इनके जो CEO जो है वो गोयनका ही है, और इन्होंने अभी बताया है कि ये जो मर्जर है ये सोनी के साथ हुआ जो मर्जर है ये इनका Z4.0 ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी का ही एक प्लान है, और इसी के चलते हुए ये लोगों को जो जितना भी फायदा होगा वो सिर्फ इनके स्टेक होल्डर को ही होगा, ऐसा नहीं है, बट इनके कस्टमर्स और एम्प्लॉय को भी होने वाला है। अब इनका जो SVOD है, यानी कि सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड, अभी लेटेस्ट में इनका जो चल रहा है वो है 40-50 मिलियन करंटली। बट इनके जो विजन है इसको देखते हुए गोयनका ने कहा है कि इनका नियर टर्म 5 ईयर्स में ये जंप करेगा अराउंड 200 मिलियन पेइंग सब्सक्रिप्शन, जो कि बहुत बड़ी बात है। मतलब इनमें इनका जो फोरकास्ट है, कंपनी आउटलुक जो है उसमें इनके बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्लान है, और जब दो बड़ी मीडिया कंपनीज टुगेदर आती हैं और उनका मर्जर होता है तो डेफिनेटली ये लोग बहुत बड़ी चीज़ें प्लान कर रहे हैं, जिसका आगे चल के इनके स्टेक होल्डर्स को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अब देखते हैं इनका चार्ट, जी का चार्ट। तो जी के चार्ट में अगर हम डेली चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ पोल पैटर्न, यहाँ पे पेंडेंट भी बोल सकते हैं, यहाँ पे एक फ्लैग
एंड पोल भी बोल सकते हैं इस पैटर्न को, ये पैटर्न हुआ है तो जिसमें हमने देखा है कि ये जो प्राइस है ये अराउंड 300 से लेके 320 में ही कंसोलिडेट हो रही थी, और इसके बाद अभी लेटेस्ट में हमने देखा है कि इसने ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करके अभी क्लोजिंग दिया है 340 पे। तो हो सकता है यहाँ से ये फिर से रीटेस्ट करे या फिर रीटेस्ट ना ही भी हो सकता है। तो अगर ये रीटेस्ट करता है तो 320 के आसपास अगर आपको बाइंग मिलता है तो यहाँ पे आप फिर से एक डिप में बाय कर सकते हैं, और इसका जो फर्स्ट टारगेट रहने वाला है वो रहेगा अराउंड 360 का। तो ये रहेगा इसका इमीडिएट टारगेट, और ये अगर यहाँ पे जो हर्डल है ये अगर क्रॉस करता है जो है 300 का, ये रहेगा इसका सेकंड टारगेट, और अगर ये 380 भी क्रॉस करता है तो हमें हो सकता है कि 400 का भी थर्ड टारगेट यहाँ पे दिखाई दे। तो यहाँ पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ पे सपोर्ट हमें है 300 का, तो 300 के सपोर्ट से यहाँ पे बने रहिएगा, और अगर आप यहाँ पे डिप मिलता है 320 के आसपास तो वहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी विद इमीडिएट टारगेट 360 फर्स्ट टारगेट रहेगा, फिर उसके बाद 380 और उसके बाद रहेगा 400। और अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो यहाँ पे अगर हम वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट में यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ तो ये कंटिन्यूसली ये फॉलिंग ही हो रहा था यहाँ पे स्टॉक। तो देखिए ये अराउंड 600 इसने हाई लगाया था, और 600 के बाद ये कंटिन्यूस नीचे गिर रहा था, और इसने नीचे अराउंड 115 का लो दिया था, और उसके बाद अभी अगर हम देखें यहाँ पे तो ये है हमारा 200 मूविंग एवरेज। तो अगर ये 200 मूविंग एवरेज अगर क्रॉस करता है तो लंबे निवेश के हिसाब से ये आपको अराउंड 400 भी दिखा सकता है, और अगर ये सस्टेन रहा तो 500 और 600 के भी हमको अच्छे खासे स्टॉक में मूवमेंट दिखाई दे सकती है। लेकिन अभी लेटेस्ट में अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपको यहाँ पे बने रहना है सिर्फ 360 के टारगेट से हिसाब से, और उसके बाद 380 और 400 का थर्ड टारगेट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।